Assalamu alaikum everyone, I hope you are all good. So today we are going to discuss a poem by W.B. Yeats, William Butler Yeats. When you are old and full of sleep, जब तुम बूढ़े हो जाओगी और तुम्हारे जो बाल हैं वो ग्रे हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा तुम्हें नींद आएगी, बुढ़ापे की जो ये वनूदगी होती है उसको कहते हैं. एंड नोडिंग बाय द फायर टेक डाउन दिस बुक, और तुम एक जो आतिशदान है उसके पास बैठी होगी और ये किताब तुम इसको खोलोगी और पढ़ोगी. एंड स्लोली रीड एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक योर आइज एंड वंस एंड ऑफ देयर शेडोज डीप. और फिर तुम उस टाइम वो सोचोगे कि तुम कभी जवान थी और तुम्हारी जो आइज थी उनके अंदर ड्रीम्स थी और सॉफ्ट लुक्स थी, और अब जो झुड़ियाँ पड़ी हुई हैं उस तरह की नहीं थी, पहले बहुत ज़्यादा जो है जवान स्किन थी. हाउ मैनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस, और उस टाइम कितने ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने तुम्हें उस तुम्हारी उस ग्रेस में तुम्हें तुमसे मोहब्बत की होगी. एंड लव्ड योर ब्यूटी विद लव फॉल्स और ट्रू, और हर तुम्हारी ब्यूटी के लिए तुम्हें तुमसे प्यार किया होगा, ठीक है, चाहे वो सच्चा है या झूठा है, लेकिन ये इस तरह से शो किया होगा कि दे अडोर्ड यू एंड लव यू फॉर योर ब्यूटी. बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू, लेकिन एक जो इंसान था, ऐसा इंसान था जिसने कि तुम्हारी ब्यूटी से नहीं बल्कि तुम्हारी सोल से प्यार किया. एंड लव द सोरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस, और उसने सिर्फ तुम्हारी ब्यूटी से और तुम्हारी यंग एज से प्यार नहीं किया बल्कि वो तुम्हारे बदलते हुए रंग या बदलती हुई स्किन से भी उसने प्यार किया. एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स, और चूल्हे के पास तुम वहाँ पे उधर जहाँ पे आग जल रही होगी वहाँ पे तुम बैठ के ये सोच रही होगी, मर्मर अ लिटिल सैडली हाउ लव फ्लड, और फिर वहाँ पे तुम खुद से ही बातें करते हुए मर्मरिंग करोगी कि किस तरह से प्यार जो होता है वो खो जाता है, गुम हो जाता है. एंड पेस अपॉन द माउंटेंस ओवर हर्ड एंड हाई हिज फेस अमिड अ क्राउड ऑफ स्टार्स, और किस तरह से वो इस तरह से माउंटेंस के ऊपर से गुजर जाता है और फिर ऐसा लगता है कि वो सितारों के एक झुरमट में कहीं खो गया है, ठीक है. ये पोइम है W.B. Yeats की, जिसके अंदर वो थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए फ्यूचर की बात कर रहे हैं. मॉर्ट गोन के बारे में उन्होंने ये पोइम लिखी है, ठीक है, मॉर्ट गोन के बारे में इन्होंने इसके अंदर डिस्क्राइब किया है. ओके, नाउ इट्स पैराफ्रेजिंग स्टैंजा वन. माई बिलव्ड, व्हेन यू ग्रो ओल्ड, व्हेन योर हेयर टर्न ग्रे एंड when you look sometimes near the fire sleepily, then you should pick up this book that I am writing and read this book poem. This poem then would remind how beautiful you once used to be and how soft and deep your eyes were when you were young. wahi baat kar rahe hain, theek hai, paraphrasing mein bhi, ke jab tum boori ho jaoge tumhare baal grey ho jayenge aur tum pe jhurriyan wagera aa jayenge to tum ye kitab nikalogi aatishdan ke paas baithe hue, aag ke paas baithe hue tum fir isko padhogi aur sochogi ki main ek ज़माने में जवान थी और मेरी आंखें किस तरह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थीं. स्टैंजा टू, यू विल देन रिमेंबर दैट मैनी मैन देन लव्ड यू बिकॉज ऑफ योर जॉयफुल ब्यूटी, दे लव्ड यू फॉर योर ब्यूटी, सम विद अ ट्रू लव, अदर्स फॉल्सली. और फिर तुम ये सोचोगे कितने लोगों ने मुझसे उस मेरी एज में उससे प्यार किया, ठीक है, मेरी ब्यूटी के लिए, और कुछ ने ट्रू लव किया और कुछ ने जो है वो फॉल्स लव किया. बट देन यू विल ऑल्सो रिमेंबर दैट वन मैन माई सेल्फ लव्ड योर सोल एंड लव्ड यू फॉर द sadness of your looks. और फिर तुम उस टाइम पे याद करोगे कि एक आदमी ऐसा था जिसने तुमसे तुम्हारी ब्यूटी के लिए प्यार नहीं किया बल्कि तुम्हारी हर अदा के लिए तुम्हारी सोल से तुम्हारी मोहब्बत किया, और तुम्हारी जो sadness है, तुम्हारी जो गम है, तुम्हारी खुशी है, हर हाल में तुमसे मोहब्बत की. स्टैंजा थ्री, देन एज़ यू बेंड डाउन नियर द ग्लोइंग फायर इन द ग्रेट, यू विल रिमेंबर टू योर सेल्फ दैट लव हैज़ लेफ्ट यू एंड हैज़ हिडन इट्स सेल्फ फार अवे इन लॉफ्टी माउंटेंस एंड इन द स्टारी स्काई. अगर फिर तुम उस टाइम पर सोचो कि उस आग के पास बैठे हुए कि किस तरह से मोहब्बत ने तुम्हें छोड़ दिया, अब लोग तुमसे प्यार नहीं करते, सारे तुमसे दूर हो गए हैं, और इस तरह से लगता है कि वो माउंटेंस में कहीं जाके या फिर आसमान के सितारों के अंदर कहीं जाके वो मोहब्बत जो है वो खो चुकी है अब.